लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी नव मतदाताओं को जोड़ने के लिए वोटर चेतना महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के प्रभारी और प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता के कंधों पर यह पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि लाखों लोगों को इस अभियान में किस तरीके से जोड़ना है। आज इसको लेकर प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक भी, और हमारे साथ खुद अनूप गुप्ता मौजूद हैं। अनूप जी, एक बड़ा अभियान है, कैसे इसकी शुरुआत होगी, कैसे आप लोगों तक पहुँचेंगे, कितने लोगों को जोड़ा जाएगा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिन पंच निष्ठाओं को स्वीकार किया है उन पंच निष्ठाओं में लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण पंच निष्ठा हमारी है। और लोकतंत्र में आप सब जानते हैं मत का महत्व होता है, वोट का महत्व होता है। वोट गिरता है जिधर, उधर ही सरकारें बना करती हैं, और इसलिए प्रत्येक जनता के व्यक्ति का, प्रत्येक जो मतदाता 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका है उसका मत बनना चाहिए, वो उसको मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए उसके। इसके लिए जो चुनाव आयोग अपनी ड्राइव शुरू किया है मतदाताओं के पुनरीक्षण अभियान का, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते से अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके और सभी ऐसे नवीन मतदाता जिनके मत अभी तक नहीं बने हैं उनको बनवाने का काम, जो लोगों के कोई शुद्धिकरण का काम करना है, कोई उनका डेटा में कोई गड़बड़ है वो ठीक कराने का काम, या जो लोग आज दिवंगत हो चुके हैं उनके नाम डिलीट होने का काम, ऐसे प्रक्रिया रहती है। उस प्रक्रिया में पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लग करके और वोटर लिस्ट को ठीक कराने में चुनाव आयोग की मदद करेगा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका निभाएगा। भारतीय जनता पार्टी हर एक मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन जैसा आपने बताया कि 18 साल के जो हो रहे हैं, यानी जो सबसे पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, आखिर उन पे इतना फोकस क्यों? नहीं, निश्चित तौर पर वो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनके जीवन का पहला मताधिकार होगा। तो जीवन में पहली बार जब मत करने का अधिकार किसी को प्राप्त हो रहा होता है उसके मन में भी उमंग होती है, ऐसे समय पर उसको यदि हम उत्साहित ढंग से लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे दल को उसका लाभ मिलेगा। लीडरशिप को एक बड़ा मौका मिल सके आने वाले समय में, उसके लिए ये योजना तैयार हो रही है सर? भारतीय जनता पार्टी नित्य नूतन चिर पुरातन संस्कृति पर विश्वास करती है, और नित्य नए जो नव मतदाता आ रहे हैं उनको अपने से जोड़ते हुए, उनको राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ते हुए और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। कितने बजे से बैठक शुरू होगी सर, कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे सर? अभी हमारा 12:30 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है, 12:30 से लेकर के 1:30 बजे तक हमारा रजिस्ट्रेशन और जलपान इत्यादि की व्यवस्था चलेगी, फिर हम 1:30 बजे से अपनी बैठक शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ इस अभियान के प्रभारी प्रदेश जो महामंत्री हैं अनूप गुप्ता, वो मौजूद थे, और उनका कहना ये है कि नई लीडरशिप को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रयास है जो लाखों नवयुवकों को जोड़ने का काम करेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।